शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। डर, खौफ, दहशत, जब तक इंसान के मन में हमारा डर है तब तक हम उसे उंगलियों पे ना चाह सकते हैं। डर खत्म तो हम खत्म। मेरी जिंदगी में कोई आने वाला है, आने वाला है। तेरी जिंदगी से कोई जाने वाला, सिकंदर गोली वहां चलाता है और आवाज यहां मुझे चीफ मिनिस्टर को सुननी पड़ती है। तेरी जिंदगी से कोई, आखिर क्या जवाब दूंगा इन लोगों को? कानून व्यवस्था बनाए रखना जिम्मेदारी आपकी है। जाने वाला है, जाने वाला है। सर अगर वो हमारे देश के अंदर होता तो हम उसे कब का पकड़ चुके होते। ये हमारा डर ही है जो हमें हिंदुस्तान से हजारों मील दूर रहकर भी हिंदुस्तान पे हुकूमत करने की इजाजत देता है। सब डरेंगे बाबा सिकंदर से। अच्छा हुआ तू आ गया। मैं आपकी स्कॉच लाया हूं। कैसी हो तुम? कैसी लग रही हो?
How are you there? Fine, thank you. कितने फोन आ चुके हैं उसके? दो, तीसरा आता ही होगा। हेलो। अभी तक तेरी आवाज में हाँ की गुंज नहीं सुनाई दे रही है मुझे, जल्दी कर वरना मेरे आदमी सिर्फ मेरी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यही एक चीज नहीं है मेरे पास, वक्त। अब तो तेरा बेटा भी आ गया अमेरिका से, आखिरी बात सलाह कर ले, क्योंकि बेटा बाप को कभी गलत मशवरा नहीं देगा। बाय द वे, तुझे क्या लगता है ये कमिश्नर जो ड्यूटी करने का नाटक कर रहा है तुझे बचा लेगा? हाँ, एक बार बाबा की बंदूक से तेरे नाम की गोली निकल गई ना, फिर कोई रास्ते में नहीं आएगा। तेरे पैसों से इलेक्शन जीतने वाला तेरा मंत्री, तेरे देश की पुलिस, तेरा नमक खाने वाला तेरा बॉडीगार्ड, यहां तक के तेरा अपना बेटा भी। कल इसी वक्त दोबारा फोन करूंगा, माल मिल गया तो मेरी आवाज तो दोबारा नहीं सुनेगा, और अगर नहीं मिला तो कोई तेरी आवाज दोबारा कभी नहीं सुनेगा। पापा, आपने उसे कहा क्यों नहीं कि आप पैसे देने के लिए तैयार हैं? I don't understand why we're having this damn meeting. 20 करोड़ आपके लिए मामूली सी बात है, आप इतने छोटे अमाउंट के लिए इतना बड़ा चांस क्यों ले रहे हैं पापा? बेटा, 20 करोड़ रुपए की बात नहीं है सर। मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए अंकल, मैं देख चुकी हूँ वो आपसे कैसे बात कर रहा था। वो तो ये भी जानता है हम करण को अमेरिका से यहाँ बुला चुके हैं। आप लोग पहले बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर बाद में ऊपर वाले को दोष देते हुए सर झुकाकर खड़े हो जाएंगे। खोना तो मुझे पड़ेगा ना अपने पापा को। अंजलि प्लीज, ये वक्त नहीं इल्जाम लगाने के लिए, इन लोगों को इनका काम करने दो। मैं देख चुकी हूँ ये क्या काम करते हैं। अभी अभी बॉम्ब ब्लास्ट के केस ने कितने लोगों को मारा है उसने, क्या कर लिया आपने और आपकी पुलिस ने? हाँ, आप कहना क्या चाहती है मिस अंजलि? कानून ने भले ही हमें मजबूर कर दिया हो लेकिन हम कमजोर नहीं है। शुराने, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज, आफ्टर ऑल ये देश के जाने माने बिजनेसमैन है। कमिश्नर अंकल, इज्जत और आत्मसम्मान जान से बड़े नहीं होते। आई वॉन्ट द डैम मनी पेड, ऑल राइट? ये वही गेम है ना पापा, जो मैं जाने से पहले छोड़ गया था। आपने उस दिन कहा था पापा, चेस की गेम में पैदल चलने वाला ये सिपाही देखने में सबसे छोटा लगता है, पर अगर यही सिपाही बिना कटे बिना झुके आठवें घर तक पहुंच जाए तो ना सिर्फ वजीर की जगह ले सकता है बल्कि बादशाह को भी मात दे सकता है। आप सातवें घर पे खड़े हैं पापा, और फैसला आपके हाथ में है। बिना लड़े कच जाना चाहते हैं या एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी मर्जी का मोहरा बनना चाहते हैं? तुझे अपने पापा की जान की फिक्र नहीं है? फिक्र है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। एक को पैसा देंगे तो चार लोग आएंगे, चार को दिया तो 10 आएंगे, सबको मालूम पड़ जाएगा कि मिस्टर शाह अपनी जान के लिए बिकते हैं। आज सिर्फ बाबा से आपकी जान को खतरा है, कल 50 लोगों से होगा, किस किस से बचेंगे आप? फैसला हो चुका है पापा, आप बाबा सिकंदर को 20 करोड़ रुपया देंगे, बस। अंजलि मगर तुम बीच में मत बोलो, मुझे पता था कि तुम यहाँ आके पापा को भड़काओगे। मैं पूछती हूँ जरूरत क्या थी तुम्हारी आने की? अंजलि, तुम अच्छी तरह जानती हो करण मेरे कहने पे यहाँ है। तो इससे कहिए आपके कहने पे यहाँ से चला भी जाए। जो आदमी आपको बाबा सिकंदर को पैसे देने से रोक रहा है वो उसके बंदूक से निकली हुई गोली से आपको बचा पाएगा? अगर आपको कुछ हो गया पापा तो इसका क्या जाएगा? ये तो सिर्फ पापा कहता है आपको, बेटी तो मैं हूँ आपकी, खोना तो मुझे पड़ेगा ना आपको। सोच समझ कर बात किया करो अंजलि, जानती हो तुम क्या कह रही हो? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपने पापा से बेहद प्यार करती हूँ, और अगर आपको कुछ हो गया ना पापा तो मैं इस आदमी को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी।
तो फिर क्या सोचा तूने? जिंदगी या 20 करोड़? 20 नहीं 40। लेकिन ये पैसा मैं उन लोगों को दूंगा जिनके बच्चे तूने छीन लिए हैं। ये पैसा उन लोगों के पास जाएगा बाबा, जिनके जीने का सहारा तेरे कारण छीना। अच्छा लगा, अच्छा भी लगा और बुरा भी। अच्छा लगा तेरी हिम्मत देखकर और बुरा लगा तेरा अंजाम सोचकर। अंजाम की परवाह वो करते हैं जो तेरी बंदूक से निकली गोली से डरते हैं। मैं तो इतना जानता हूं कि जिंदगी और मौत ना इंसान के हाथ में है ना तुझ जैसे शैतान के, वो सिर्फ भगवान के हाथ में है। जब से तेरा फोन आया है सोया नहीं हूं मैं, लेकिन आज तुझे मना करके मैं चैन की नींद सोऊंगा। बार बार अच्छा बनने की कोशिश करता हूं मैं, और बार बार ये दुनिया मुझे अच्छे से बुरा बना देती है। ए बाबा, तू टेंशन क्यों लेता है? इस बार तेरा यार जाके साले के पेट में चाकू घुसेड़ देगा। ना 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 ना, अभी नहीं, अभी नहीं। कत्ल कुछ ऐसा हो कि याद बन जाए। आज 25 है, 4 दिन बाद कांतिलाल शाह का जन्मदिन है, तब तक जी लेने दे बेचारे को। अरे भाई अब तो खुश है वो। देखिए आप क्या कर रहे हैं। अच्छा आप क्या कह रहे थे? जाके कर्जा बनी देना। ये क्या हो रहा है? अच्छा? इस बात का पैसा लेते हैं आप लोग? डैड चलिए मेरे साथ। कहाँ बेटा? कम विद मी, टेक अ पिक्चर मी एंड माय डैड। करण हाँ नाउ मॉर्निंग सर। मॉर्निंग करण बेटा, ये इट्स अर्जेंट, हमारे शेयर्स के जो फिगर्स हैं। पापा आप चलिए, मैं आ रहा हूँ।
धमाका बहुत जोर से हुआ है बाबा, पर साथ में 20 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। नुकसान नहीं, फायदा। आज से 2 दिन तक हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल पर हमारी शोहरत के चर्चे होंगे। कांतिलाल शाह की मौत का मंजर देखने के बाद हर बड़ी तिजोरी के ताले खुद ब खुद हमारे लिए खुल जाएंगे। हाय प्रिया, थैंक गॉड यू हैव कम। क्या करना है? बेस्ट कवरेज हमारा होना चाहिए। अरे ये क्या, अब तक प्रेस वालों को अंदर जाने नहीं दिया? नहीं, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। अभी कुछ देर पहले ही पुलिस कमिश्नर भी यहाँ आए हैं। पर ये मीडिया वाले हमारे दोस्त यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं? कांतिलाल शाह की डेड बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर ही है, उसी को कवर करने के लिए। मतलब बॉडी का शॉट तो हर चैनल पे दिखाई देगा। अंजलि शाह कहाँ है? उसे अभी अभी यहाँ से ले गए, वो पीछे वाले रास्ते से। और करण शाह? करण शाह यही कहीं बिल्डिंग में होगा। बॉडी का शॉट फिर भी मिल जाएगा, हमें करण शाह के साथ इंटरव्यू चाहिए। Come with me. लेकिन प्रिया, Shut up and follow me. I'm sorry. ये क्या किया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथों से गवा दिया। करण शाह का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा, उसका इंटरव्यू, हमारी स्टोरी हाथों हाथ बिक जाती। हाँ, लेकिन उस कमरे में ऐसी कोई चीज बिकाऊ नहीं लगी मुझे। करण, चलो बेटा, शमशान यात्रा का वक्त हो गया है, क्रियाकर्म करना है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अंकल, मैं करण से कुछ बात करना चाहती हूँ, अकेले में। तुम मेरे भाई कभी नहीं थे, सिर्फ मेरे पापा के बेटे थे। अब उनके जाने के बाद वो रिश्ता भी खत्म हो चुका है। आज के बाद तुम सिर्फ कांतिलाल शाह के खूनी हो। हाँ करण, वो गोली बाबा सिकंदर ने नहीं, तुमने चलाई है। तुमने मारा है मेरे पापा को, उनका खून किया है तुमने। और मैं नहीं चाहती कि जिस आदमी के हाथ उनके खून से रंगे हुए हो, वो उनकी चिता को आग लगाए। उनका अंतिम संस्कार करने का हक तो तुम्हारा पहले भी नहीं था, लेकिन आज तुमने उनकी अर्थी को कंधा देने का हक भी खो दिया। करण, खो दिया तुमने। उसके दुख दर्द की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। प्रिया, जहां तक मेरी समझ में आता है, ये कांतिलाल शाह की स्टोरी उसकी चिता के साथ ही खत्म हो जाती है। अब उसकी राख में हाथ मारने से फायदा? यही तो बाकी के चैनल सोच रहे सर, लेकिन मुझे ये कहानी खत्म होते नहीं, शुरू होते दिखाई दे रही है सर। कैसे? अब आप ही सोचिए, एक बेटे के होते हुए एक बेटी ने चिता को आग दी। हेलो, मैं अभी आ रहा हूं कमिश्नर साहब। यस, कम ऑन नाउ एवरीबॉडी, लिसन टू दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। प्रिया, यू वर सो राइट। करण शाह के बारे में मुझे जो कुछ भी मालूम चला है, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग स्टफ। लेकिन करण शाह की पूरी कहानी जानने के लिए हमें माहिम के बंटी की जरूरत पड़ेगी। बंटी? यस, बंटी उर्फ करण शाह।
बंटी, जो 15 साल पहले कांतिलाल शाह के ऑफिस में चाय पहुंचाने का काम करता था। पर चाय पहुंचाने से ज्यादा दिलचस्पी उसे कांतिलाल शाह के केबिन में होने वाली मीटिंग्स में थी। कम। धीरे धीरे बंटी ने कैंटीन में चाय बनाना बंद कर दिया। वो दिन में मिस्टर शाह के ऑफिस में काम करता था और रात को बस्ती के स्कूल में पढ़ाई। कुछ ही दिनों में बंटी करण शाह बनकर बोर्ड रूम से सीधा कांतिलाल शाह के दिल में उतर गया और उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। ये मुन्ना पाटिल, इसीलिए तुम्हारे पिताजी पर गोली चलाई थी। नकली पासपोर्ट बनाकर भागने की कोशिश कर रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। मुझे इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है मदरसा। इस बेवकूफ ने तो सिर्फ गोली चलाई है, मेरी दुश्मनी उस आदमी से है जिसने इसके हाथ में बंदूक थमाई है। करण ने हमेशा कहने से ज्यादा करने में ही विश्वास किया है। पिछले 5 साल की बैलेंस शीट्स पर नजर डाली जाए तो शाह ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 300% की तरक्की की है और इसकी सबसे बड़ी वजह कांतिलाल शाह करण को ही मानते थे। वो सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है बेटा, सारे देश का दुश्मन है। तुम्हें क्या लगता है हम उसे पकड़ना नहीं चाहते? सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि वह कैसे देश में जाकर छुपा है जिसके साथ हमारी एक्सट्रेडिशन की कोई ट्रीटी नहीं है। लेकिन बेटा, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैंने इस बारे में मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख दी है एंड आई एम श्योर वो अपने काम में लग भी गए हैं। आज नहीं तो कल ऐसा कानून जरूर बनेगा और तब मैं उसे पर्सनली जाके गिरफ्तार करूंगा। करण, मैं तुमसे वादा करता हूं कि पुलिस अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। कमिश्नर साहब, एक पल के लिए भूल जाइए कि आप पुलिस वाले हैं और मैं आपके पास अपने पापा के कातिल को पकड़वाने के लिए आया हूं। दिल पे हाथ रखकर कहिए कि क्या आप जो कह रहे हैं वो मुमकिन है? दो रुपए की चाय बेचने वाला लड़का जो 2,000 करोड़ का मालिक बन सकता है, वो अपने बाप के मौत पर चुप नहीं बैठेगा। देख लेना सर, ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हेलो। 2,000 करोड़ का मालिक हो या सड़क पर भौंकने वाला कुत्ता, मरने से पहले दोनों की आंखों में खौफ एक सा ही नजर आता है। तेरे बाप को गोली मारने से पहले मेरे आदमी ने मोबाइल पे फोन किया था ताकि उसकी आखिरी चीख मैं सुन सकूं। जो आवाज बाबा की बात को मानने से इनकार कर रही थी खामोश हो गई। पछता रहा होगा उस दिन पे जिस दिन तूने अपने पापा को मुझसे उलझने की सलाह दी थी। अफसोस हो रहा होगा अपने पापा की फोटो देख के कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? मुझे क्या नहीं करना था ये तो मैं नहीं जानता सिकंदर, पर जो मैं करूंगा उस पे तुझे जरूर अफसोस होगा। तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। मैं तुझसे सिर्फ अपने पापा की मौत का हिसाब नहीं मांगूंगा, तुझे यहाँ बहाए हुए हर बेगुनाह के खून की एक एक बूंद का हिसाब देना होगा। तुझे यहाँ की जनता और यहाँ के कानून को जवाब देना होगा। जिस देश में तूने मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से अलग किया, तुझे उसी देश में वापस लाऊंगा मैं। अपनी मर्जी से ना आया तो घुटनों के बल घसीट के लाऊंगा तुझे, और ये मेरा ऐलान है। कहता है घसीट के लेके जाएगा मुझे हिंदुस्तान। इंसाफ करेगा मेरा। किसके बल पे? किसके बल पे? हिंदुस्तान की डरी हुई सरकार के बल पे एक आदमी नहीं मिलेगा, एक जो बाबा सिकंदर से डरता ना हो। ए गुड़िया, आजा। पापा। ओह, माय बेबी। आज स्कूल में क्या क्या सीखा? पोयम और स्टोरी। मुझे स्टार भी दिया। ओह, वेरी गुड। घर चले? ओके, कम।
और फिर हम रोहतांग पास से घूमते हुए स्पीति के थ्रू जाते हुए सीधा लद्दाख पहुंचेंगे। वाह पापा, वहाँ पे तो चारों तरफ स्नो ही स्नो होगा। हाँ बेटा, वहाँ ब्राउन माउंटेन्स भी हैं। और ग्रीनरी? अब ग्रीनरी चाहिए तो फिर केरला जाना होगा। अब तुम फैसला कर लो कहाँ जाना। ओह, आई डोंट नो पापा, आई एम कंफ्यूज। ओके बेटा, एक काम करते हैं। तुम तुम्हारी आंखें बंद करके सो जाओ और तुम्हारे सपने में जो भी जगह आए हम वहीं जाएंगे, ओके? पर आप फिर से प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं करेंगे ना? इस बार कुछ भी हो जाए हम हमारी छुट्टी पर जरूर जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वेयर इज योर प्रॉमिस? गुड नाइट। जब से पुलिस की नौकरी छूटी है पहली बार किसी ने पीछा किया मेरा। अब धीरे से पीछे मुड़। करण शाह, बाबा सिकंदर को पकड़ के हिंदुस्तान लाना चाहते हो? वो भी अकेले? अकेले नहीं, तुम्हारी मदद से। सिकंदर किसी तालाब की मछली नहीं कि तुमने दाना दिखाया और वो दूम हिलाते हुए तुम्हारे कांटे में फंसने को चली आएगी। सिकंदर वो मगरमच्छ है जिसे पकड़ने का कांटा अब तक तीन देशों की सरकार बना नहीं सकी। तुमसे एक बात कहूं मिस्टर करण शाह, अपनी बेटी को सुलाने से पहले मैं रोज उसे एक सपना देखने के लिए कहता हूं, पर तुम्हें इस अपने से बाहर आने की सलाह दूंगा। जागो मिस्टर करण शाह और सच का सामना करो। सच का सामना तुम्हें उसी दिन से कर रहा हूं जिस दिन सिकंदर ने मेरे पापा की जान ली थी। और मेरे पापा का कातिल कहीं भी हो, मैं उसे हिंदुस्तान की जमीन पर लाकर जरूर खड़ा करूंगा, कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं तुम्हारे इरादों की कदर करता हूं भाई साहब, लेकिन मुझे अपनी इस छोटी सी बसी बसाई दुनिया में रहने दीजिए। मैं जाऊं जैसे हूं, अपनी बेटी के साथ खुश हूं। खुश हो या मुस्कुरा के अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद ही मैं यहां आया हूं। मैं चाहता तो अपने पैसों से सिकंदर के खिलाफ पूरी आर्मी खड़ी कर सकता था, पर मुझे लड़ने वाले नहीं जीतने वाले लोग चाहिए। मैं अपने पापा को खो चुका हूं और किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है यह तुमसे अच्छी तरह कौन समझ सकता है। मैं जानता हूं तुम्हारा भी एक हंसता खेलता परिवार था, तुम्हारी भी एक अच्छी सी नौकरी थी, तुम्हें जान से ज्यादा चाहने वाली तुम्हारी। वो थे कौन होता मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने वाले? वो थे कौन होता? Now get out. मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। हमारे बीच कुछ पाने का रिश्ता भले ही ना बन पाए, पर किसी को खोने का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। I said get out. सीमा, अर्जुन,
अर्जुन है, मैं मर जाऊंगी अर्जुन। कुछ नहीं होगा, हमारा बच्चा मर जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारा बच्चा अर्जुन मर जाएगी। कुछ भी नहीं होने दूंगा, मर जाएगी अर्जुन, मर जाएगी अर्जुन। इंस्पेक्टर साहब, आपको बेटी हुई है। पूरी रात नहीं सोए ना? बाजा, मेरा बेटा, तू अपने पापा को बहुत अच्छी तरह जानती है ना? यू नो बेटा, कल रात तुम्हारे सोने के बाद एक अंकल मुझसे मिले हैं, मेरी मदद मांगने। लेकिन पापा की समझ में नहीं आया कि उस अंकल की हेल्प करनी चाहिए या नहीं। तो मैंने अपनी आंखें बंद की और मामा मेरे पास है और मामा ने कहा कि मुझे उस अंकल की हेल्प जरूर करनी चाहिए। तब तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। आई नो बेटा, लेकिन अगर मैं ऐसे करता तो हम हमारी छुट्टी पर नहीं जा पाएंगे। और वही नहीं, पापा को कुछ दिन के लिए
से दूर जाना होगा। पापा, आप मामा को पहले जानते थे या मुझको? मामा को। तो आपको पहले मामा की बात माननी चाहिए या मेरी? ओह माय गुड़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वाह समीर, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना कि ये लड़का चुप नहीं बैठेगा, जरूर कुछ करेगा। जहां तक मैं बाबा सिकंदर के बारे में जानता हूं, वो किसी भी तरह बादशाह सिकंदर से कम नहीं। उसकी अपनी सल्तनत है, अपने सिपाही हैं, अपनी फौज है। यूं समझ लो सिकंदर तक पहुंचना किसी चक्रव्यूह में फंसने से कम नहीं। और इस चक्रव्यूह में जाने के लिए हमें अभिमन्यु की जरूरत पड़ेगी। पर ये अभिमन्यु हमें मिलेगा कहां? बाशी जेल में। अभिमन्यु, ये नाम उसे सिकंदर नहीं दिया था। हाँ, सिकंदर की गाड़ी चलाया करता था, धीरे धीरे उसका हिटमैन बन गया। पप्पू टकला, करीम कुरला, रहीम अलाबादी जैसे नामी गुंडों को मारने के अलावा शहर के कई मशहूर होटेलियर्स और बिजनेसमैन को खत्म कर चुके हैं बिना कोई सबूत छोड़े। दुश्मन पे वार करने से पहले पूरी तरह उसकी ताकत का अंदाजा लगाता है, फिर उसमें टूट पड़ता है। एक बार जो काम ठान लेता है उसे जरूर पूरा करता है। एक ही चीज पसंद नहीं है उसे, धोखे से पीठ पर वार करना। और अगर कोई उसके साथ ऐसा करता है तो समझ लो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन। पर तुमने अभी अभी कहा था कि वो अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता, तो फिर वो जेल में कैसे? सिकंदर की वजह से। यूं समझ लो सिकंदर ने उसके पीठ पे वार किया था, उसे डबल क्रॉस करके। पर वो जेल में रहकर हमारी मदद कर पाएगा? नहीं, इसलिए हमें उसे जेल से बाहर निकालना होगा। पर कैसे? इस काम के लिए हमें 5 लाशों की जरूरत पड़ेगी और ये काम आपको करना होगा। मुझे? मैं किसी को मारने की नहीं, मरे हुए लोगों को यहाँ लाने की बात कर रहा था। केविशा मेडिकल कॉलेज तुम्हारे परदादी की है ना? हाँ है। तो उस मेडिकल कॉलेज में मुर्दे रखते हैं स्टूडेंट्स के रिसर्च और स्टडीज के लिए। तुम अपने पैसों का इस्तेमाल करो या अपने रुतबे का, मुझे कल सुबह तक 5 लाशें और 2 एम्बुलेंस चाहिए। पर ये 5 लाशें अभिमन्यु को बाहर कैसे निकालेगी? अभिमन्यु को बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता है, हमें उसे जान से मारना होगा। व्हाट? और इस काम में मेरे 2 आदमी मेरा साथ देंगे, अल्बर्ट और टोनी। इसके अलावा तुम्हें एक और काम करना होगा। 10:45 पर वाशी जेल के जेलर मिस्टर पाटिल को तुम्हें एक फोन करोगे।
हाँ साहब, क्या है ये सब? क्या है साहब? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कैदियों को मलेरिया के इंजेक्शंस दें। लेकिन साहब, हमारे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अंदर जाने का। हर खड़े हुए लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता, अपने बड़े साहब से पूछो। हेलो, हाँ साहब, कुछ डॉक्टर आए हैं मिनिस्ट्री से। हेलो, हाँ जेलर साहब। बोले, हमारे पास हेल्थ मिनिस्ट्री से ऑर्डर्स है। अगर मैं गलत नहीं तो इस जेल में 570 कैदी हैं। हाँ है, तो क्या करो? तो उन सबको मलेरिया के इंजेक्शंस देने। मंडे आना 10-12 के बीच में। ठीक है, यही बात आप हमको रिटर्न में दे दीजिए, हम चले जाते हैं। अबे पूरी दुनिया का खून चूस कर आए, इनका क्या होगा मलेरिया से? इंजेक्शन तो मच्छरों को लगाना चाहिए। अरे कदम को कितनी बार समझाए मैं, उस दिन उसको भी उस दिन ना। कदम को बहुत समझाया, मगर वो ना मेरी बात माना ही नहीं। इतना बोला मगर उस दिन दिमाग खराब कर दिया मेरा। उसके बाद उसका भी ना कर दिया मैंने। मेरे पैर पकड़े उसने। पागल बेचारा रोता रहा उस दिन। हेलो जेलर साहब, इस वक्त आपकी जेल में आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो डॉक्टर्स नहीं, क्रिमिनल्स हैं। जाके रोकिए उन्हें, इससे पहले कि वो अपने साथी अभिमन्यु को अपने साथ भगा कर ले जाए। अर्जुन श्रीवास्तव, अपन को मालूम था कि तू पुलिस के नौकरी में जैसे टिकेगा नहीं, लेकिन इतना जल्दी कानून तोड़ना शुरू करेगा ये अपन को मालूम नहीं था।
डेड पर अपन तो जिंदा है यार। ऐसे पक पक करते रहोगे तो ज्यादा देर टिकोगे नहीं। हे भाई अब उनसे दूर रखो, दूर रख। चक्कर क्या है, तू अपन को मार के जिंदा करने को लाया या जिंदा करके मारने को लाया? हाँ मैंने तुम्हें यहां पर काम के लिए बुलाया। तो ऐसा बोलना, सिगरेट है क्या? क्या काम है? बाबा सिकंदर को हिंदुस्तान लाने। तू हमेशा यही सिगरेट पीता? हाँ अपुन को नहीं पीना वरना मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। तेरी तरह उल्टा सीधा बात करना शुरू कर दूंगा। उल्टी नहीं, एकदम सीधी बात है। हमारा साथ दोगे तो एक नए नाम से, एक नए देश में, एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। इनकार किया तो वही पुरानी जेल, वही जेल की रोटी। मुझे बस पुलिस को फोन करके बताना होगा कि तुम मरे नहीं, जिंदा हो। या बाबा जेल में, या बाबा रेल में। जेल में जिंदा रहेगा, रेल में तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हें इस काम के मुंह मांगे पैसे मिल सकते थे। कितने? 50 लाख। 50 लाख बस? तो तुम्हें कितने चाहिए? 1 करोड़ मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। अरे बाबा किट किट। करण शाह बाप का बदला 2 करोड़ मिल जाएंगे। 50% एडवांस मिल जाएंगे। ए भाई वो सिगरेट देना यार। कितने अच्छे लग रहे हैं आप इन फोटोग्राफ्स में। काश ये तस्वीरें बोल पाती और मैं आपकी बातें सुन लेती, पर हम जर्नलिस्ट लोग कभी कभी सुनने से ज्यादा बातों को समझ जाते हैं और मेरी समझ ये कहती है कि आप काफी समझदार हैं। अब देखिए ना कितनी समझदारी से आपने पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक दिया। मतलब की बात बोलो। आप अपने पापा के कातिल को सजा देना चाहते हो और मैं अपने चैनल को एक स्टोरी। एक तरफ से देखा जाए तो हमें एक दूसरे की जरूरत है। अपनी स्टोरी के लिए आप मुझे अपने पास रख दीजिए और आपके लिए मैं अपने आप को इन तस्वीरों से अलग कर लूंगी। तो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो रास्ता दिखा रही हूँ। देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप मुझे अपने साथ रख लीजिए या तो मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दीजिए ताकि मैं दुनिया को चीख चीख के बोलूं कि अभिमन्यु जिंदा है। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? ब्लैकमेल करने वाले लोगों के लिए मेरी ऑफिस में कोई जगह नहीं है। अगर मैं कहूँ की धमकी नहीं रिक्वेस्ट है, फोटोग्राफ फाड़ दूंगी, नेगेटिव जला दूंगी भी। आउट। अगर मैं कहूँ मेरा पर्स अंदर रह गया तो? And stay out. साथ तो नहीं, पीछे पीछे ही सही, मगर आएंगे हम वहां, तुम जाओगे जहां। मैडम। हाँ? आपसे कोई बाहर मिलने आया है? क्यों? सिर्फ आप ही पीछा कर सकते हैं हमारा। आपको क्या लगता है, आप हम पे नजर रखेंगी, हमारे फोटोग्राफ्स लेंगी, हमारी आवाज टेप करेंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? सर वो मैं चाहूं तो केस कर सकता हूं आप पर, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि हम जिस दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं उसे जीतने के लिए बहुत से दोस्तों की जरूरत पड़ेगी मुझे, और अगर वो दोस्त आप जैसी इंटेलिजेंट, स्मार्ट और खूबसूरत हो तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। क्या आप कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलेंगी? चलूंगी। मैडम क्या आप कॉफी पियेंगी? कितनी बार कहा तुम्हें इतनी जोर से मत बोलो, स्टूपिड, गेट आउट नाउ। सॉरी मैडम। Thank you.
प्यार का है असर मेरी जाने जिगर तुम तो हो बेखबर इन शबनमी होठों से शबनम जरा बरसाओ महबूब की चाहत को अब और न तरसाओ अब और न तरसाओ बेचैन मेरा दिल है बहला के चले जाओ ये तुमको पसंद मेरी तुम ना के चले जाओ तुम आके चले जाओ ये क्या हो रहा है प्रिया पीछा कर रही हूँ पीछा हाँ किसका करण शाह का अरे यहाँ बैठे बैठे तुम उसका पीछा कैसे कर सकती हो अपना मोबाइल निकालिए सर मोबाइल निकाला उस पे क्या लिखा है एयरटेल उसके नीचे किशोरी लाल मेरा नाम उसके नीचे एरिया का नाम बैंड्रा अब आप देखिए सर कम मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कम कम जस्ती सर देखिए ये है ग्लोबल मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम की वेबसाइट इसमें मोबाइल नंबर डालिए और सैटेलाइट के जरिए पता चलता है कि इस वक्त ये मोबाइल है कहाँ वाओ वाओ करण शाह जहां भी जाएगा मुझे पाएगा आज के बाद हम में से कोई ना घर पे फोन करेगा या किसी दोस्त को मिलने की कोशिश करेगा यूं समझ लो हम बाकी की दुनिया के लिए मर चुके हैं तुम दोनों अपन तो पहले से ही मर चुका है इसलिए तुम्हें और भी सावधान रहना होगा अभिमन्यु अगर किसी को पता चल गया कि तुम मरे नहीं जिंदा हो हमारा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा समझे समझा भाई ये ले ये क्या है पासपोर्ट तुम आज से अभिमन्यु नहीं रॉकी हो अच्छा और मैं साहिल सिंह बन के जाऊंगा और मैं आदमी जितना बड़ा होता है उसे छुपाना उतना ही मुश्किल आप ही रहिए अभिमन्यु शुरू करें सिकंदर की दुनिया उसके कुछ खास लोगों के कंधे पर टिके लिए अभी उस तक पहुंचने के लिए अपुन को उस कंधे को उखाड़ना होगा क्या अभी अपुन उसके और उसके पंटर लोगों के बारे में तुम लोगों को डिटेल में बताएगा क्या बाबा सिकंदर हिंदुस्तान का क्या दुनिया का सबसे बड़ा शाना कितना मिनिस्टर लोग पुलिस लोग जज लोगों को जेब में लेके घूमता है साला अभिमन्यु का यूं मरना कुछ समझ में नहीं आया हमारे सिवा उसका कोई दुश्मन नहीं और दोस्ती उससे कोई करेगा नहीं फिर उसे जेल से निकलने वाला कौन पैदा हो गया है क्या बोलता है सलीम ये सच में मर गया नहीं मरा तो मार डालेंगे साले को सड़ेगा सलीम सिकंदर का बचपन का दोस्त सिकंदर पैसे के लिए जान लेता है और ये मजे के लिए आफ्ताब सिकंदर का छोटा भाई एक तरह से अपन यह कह सकता है कि सिकंदर की सल्तनत का ये फॉरेन मिनिस्टर है अभी जिस देश में सिकंदर होता है ना उस देश की सरकार को अपनी उंगलियों पे नचाना ये काम यह कर सकता है तो आप ही बताइए बड़े भाई अपने को क्या करना है एयरपोर्ट पे अभिमन्यु की फोटोग्राफ पहुंचा दो अगर वो जिंदा है तो हम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा उससे पहले मैं एक काम करता हूं मुंबई में अपने छोकरे लोग को इत्तला कर देता हूं कान खोल के एरिया में घूमेंगे तो 24 घंटे में सच झूठ का पता चल जाएगा समीर सिकंदर का सबसे छोटा भाई है वेनिस में रहते हुए भी साला सब कुछ जानता है मुंबई की सड़कों पे क्या हो रहा है तुम्हारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त बाबा सिकंदर कहां है वेनिस इटली में ओके गाइस हमारा अलग होने का वक्त आ गया 3 दिन बाद हम सीधा वेनिस में मिलेंगे वेनिस Mind-blowing.
पर बाबा ने तुम्हारी बात ना मानी तो? अरे अपन बाबा का वीकनेस जानता है, हर बड़े आदमी की तरह उसको गॉडफादर बनने का शौक है। अपुन जाते ही उसका पाप पकड़ लेगा, उसके तारीफ में 4-6 लाइन बोल के अपुन अपना गलती का माफी मांग लेगा। उसको बोलेगा, बड़े भाई तुमसे दूर रह के अपुन को एहसास हुआ कि तुम क्या चीज है, या तो अपुन को अपने गैंग में वापस लेने का, या तो अपुन को अपने हाथ से गोली मार देने का। पास, बाबा का विकेट साफ। और तुम बाबा सिकंदर से मिलोगे कैसे? उसका गर्लफ्रेंड का हेल्प से, सोनिया नाम है उसका, डांस क्लब में काम करती है वो। उसका हेल्प के साथ अपुन बाबा से मीटिंग फिक्स कराएगा। सोनिया अपुन को ना नहीं बोलेगी और बाबा सोनिया को ना नहीं बोलेगा। बन गई मजबूरी।
मिल के आता हूं मैं। देख रही हूँ कि तुम मेरे सामने खड़े हो। सब लोगों ने कहा कि जेल से भागते हुए तुम मारे गए और मैं अभी मन यू बता भी अल्लाह भी चल रो मत, बस अपन आ गया ना, चल अभी मन यू ये सब हो क्या रहा है? तुम्हारे साथ वो आदमी कौन है? तुम मरकर जिंदा कैसे हुए? सब कुछ अपन तेरे को बताएगा, मगर बाद में, अभी अपन के पास टाइम नहीं। लेकिन अभी मनियो, सुन मेरी बात ध्यान से। वो जो तो लोग बाहर बैठे ला ना, वो अपन को कबूतर बना के यहाँ पे लाया है, लेकिन अपन भी उनको पोपट बना के तेरे पास आएगा। क्या? ध्यान से सुन, तू 2 घंटे बाद अपन को सेंट जॉर्ज चर्च के बाहर मिलना, उधर से तू और मैं छू अपन का लव स्टोरी स्टार्ट। हाँ समझी क्या? Excuse, Rangi. ये डी है साली, बहुत मुश्किल से बनाया। काम करने को तैयार है वो, लेकिन बहुत पैसे मांगने लिए। कितना? 1 लाख यूरो। दिमाग खराब हो गया क्या साली का? अभी मिल जाएंगे तो अपन का काम भी हो जाएगा। तू अपन को पैसा देना, अपन 2 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट फिक्स करके तुम लोगों को होटल में मिलेगा। क्या तुम? मैं। कौन? अंदर आने को नहीं कहोगे? तुम यहाँ कैसे पहुंची? जाहिर है आपका पीछा करके, आपके मिशन के बारे में सब कुछ जान के। यार दिलदार सोनिया जैसा चाहिए, प्यार के लिए साला पैसा चाहिए। अगर मैं चाहती मिस्टर करण शाह, तो इस तरह आपका पीछा करते करते मैं अपना मिशन पूरा कर सकती थी, मगर आपका मिशन मेरे मिशन से ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं अपने मिशन को साइड पे रख के आपके मिशन में हेल्प करने आई हूँ। तुम कहना क्या चाहती? कहना नहीं, बताना चाहती हूँ। जिसे तुम लोग दोस्त समझकर बाबा सिकंदर के किले में घुसना चाहते हो, वो तुम लोगों का दोस्त नहीं, दुश्मन है। धोखा दे रहा है वो तुम लोगों को। सोनिया बाबा सिकंदर की नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। आने की दो ही वजह हो सकती है, एक हमसे माफी मांगकर फिर से गैंग में शामिल होना, दूसरा अपना पुराना हिसाब चुकता करना। लेकिन अपुन का रीजन तीसरा है बॉस, ये सोनिया। इसी से दूर होके अपुन जीते जी मर गया, इसी के वास्ते अपुन ने जेल तोड़ा और इसी के वास्ते कानून तोड़ के वेनिस पहुंचा। ओ ओ ओ ओ, तो ये रिवेंज का नहीं लव का मामला है। दिल तो करता है तेरी बातें सुनकर तुझे माफ कर दूं, पर क्या करूं, इतिहास मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन तू तो मेरा अपना है, और इतिहास कहता है कि बड़ी बड़ी सल्तनत का तख्ता अपनों ने ही पलटा है, जूलियस सीजर हो या महात्मा गांधी।
हर बड़े आदमी का खून अपनों ने ही बहाया है। हम तुझे मान नहीं रहे, अपने आप को बचा रहे हैं। यूं समझ ले कि वेनिस आकर तूने अपनी कब्र खुद खोद ली है। ए बस बस, बहुत खोद लिया। तुम दोनों की लव स्टोरी को अमर करने के लिए इतनी कब्र काफी है। भाइयों अर्ज किया है, अर्ज किया है कि दो गज जमी तो मिली, मिट्टी नसीब ना हुई। दो गज जमी तो मिली, मिट्टी नसीब ना हुई। जालिम जमाने ने हमारी कब्र बर्फ में बना दी। आदाब आदाब। ये सड़ेला, गोली मारना तो जल्दी मार, वरना तेरी शायरी सुन के मर जाएगा मैं। बड़ी बेसब्री से अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। कभी हम इनको तो कभी हम रशीद की बंदूक को देखते हैं। ए रशीद, उड़ा दे। करेंगे तो मरेंगे, ठीक है? Watch out!
जान। तो चाहता है तुझे अभी इसी वक्त गोली मार दूं, पर क्या करूं? ये करण शाह है ना, इसे अच्छाई का शौक है। अर्जुन छोड़ दो उसे, छोड़ दो। डेढ़ करोड़ तुम ले चुके हो, एक करोड़ ईमानदारी से, 50 लाख बेईमानी से। ये रहे बाकी के 50 लाख रुपए। इस मिशन पर तुम्हें 7 लाख जो गलती मैंने की है, समझ लो उसका मुआवजा है। हाँ, ये तो पैसे लेकर चला जाएगा, लेकिन आज जो हुआ है इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। सलीम और अपना 36 का आंकड़ा है। अगर आप लोग नहीं आते ना, तो वो साला अपन को ऊपर भेज देता। अपन तुमसे अपन का जान बचाने का कीमत नहीं लेगा। चल सोनिया। सोनिया कहीं नहीं जाएगी और ना ही तुम कहीं जाओगे। अभिमन्यु इतना भी बुरा नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। इसने जो कुछ भी किया मुझसे किए हुए वादे के लिए किया। इसने मुझसे वादा किया था कि वो बाबा की दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन जब यही बात उसने बाबा से कही तब बाबा ने उसे एक आखिरी काम करने के लिए कहा। काम हुआ नहीं। कारण? पता नहीं वो ऐन मौके पर पहुंचा कैसे उधर। कौन? इंस्पेक्टर अर्जुन। और आखिरी काम करने के लिए बाबा ने तुझे इंडिया भेज दिया और इंडिया में तुझे धोखा देके ड्रग्स केस में अरेस्ट करवा दिया। हाँ, चोर को बचाने के लिए पुलिस वाला इतनी दूर क्यों आएगा? वो आया नहीं है, लाया गया है बाबा, और उसे लाने वाला और कोई नहीं, कांति लाल शाह का बेटा करण शाह। इसीलिए जब हमने तुम्हें इस मिशन में जोड़ने की बात की तो तुमने एक झटके में ऑफर कबूल कर ली। तो वो हमसे बदला लेने आया है, बाप की मौत का बदला। वो क्या बदला लेगा हमसे? इस बार आने दे, ऐसा सबक सिखाऊंगा। उनके आने का इंतजार मत कर सलीम। धंधे का उसूल है कि सांप के बच्चे को पैदा होते ही कुचल देना चाहिए। दोनों ने मैंने इसे जुर्म करने से मना किया था, रोकने से नहीं। आज से ही आपके साथ है। अगर तुम लोग अपुन को माफ कर सकते हैं तो अपुन तुम लोगों के साथ आने को तैयार है। सुनिया, जितनी जल्दी हो हमें यहां से निकल जाना चाहिए। इस वक्त बाबा सिकंदर को हमारे मिशन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। बॉन्जूर। Get down!
सोनिया। वेरी लकी, गोली सिर्फ तुम्हारे बाजू को छूकर निकल गई। लकी ये नहीं बाबा है, अगर इसे कुछ हो जाता ना तो उसे दही अंडी की तरह फोड़ डालता। गाड़ी तो वही है, यही कहीं होंगे साले। जावेद कुत्तों को निकालो। जाके बजाते हैं साले को। अब कुछ बेवकूफी मत करना, उन लोगों के पास हथियार है और पूरी तैयारी से आए। फिलहाल हमें किसी तरह बच के निकल जाना चाहिए। पर कैसे? सोनिया की कंधे से तो खून बह रहा है, उनके पास ट्रेन डॉग्स हैं। जहां भी हम जाएंगे वो खून सूंघते हुए पीछे आ जाएंगे। हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बनानी होगी। चलो हटो। खून टपक रहा है, जहां भी जाएंगे हमारे लिए निशान छोड़ के जाएंगे। स्निफ, कम ऑन रॉकी, स्निफ स्निफ, चलो जाओ ढूंढो। जख्मी कर पाया, जान से नहीं मार पाया। पांचों ट्रेन पकड़कर भाग गए। वो ट्रेन कहां जा रही है? पेरिस। तू फिकर मत कर आफ्ताब, यहां नहीं तो पेरिस स्टेशन में अपने लोग उनका इंतजार करेंगे। हाउ क्यूट, इज दिस योर डॉटर? मेरी बेटी, मेरी जिंदगी।
आयशा। और ये पोस्टकार्ड्स? पोस्टकार्ड्स नहीं, यादें जो उसके लिए इकट्ठे कर रहा हूं। करण, तुम्हें बच्चे तो पसंद है ना? हाँ, दूसरों के, वो भी 5 मिनट के लिए। How rude! शादी के बाद जब तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे? इसीलिए तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। What? कमाल है, तुम इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। अभिमन्यु, तुम लोगों को कितने बच्चे चाहिए? हाँ, 5। 5? अरे कोई अपन से पंगा लेगा तो आर्मी बनाने के वास्ते अपन थोड़ी बार जाएगा। 5 महीने आर्मी विद 1 कमांडर। देखा देखा लोग कितनी फैमिली प्लानिंग करते, कितना प्यार करते अपने बच्चों से। और एक तुम हो, तुम की स्टुपिड। इसको क्या हुआ? खुद ही पूछ लो। बेचारी, तरस आता है उस पर। कितना प्यार करती है वो करण से, लेकिन कह नहीं पाती। हर कोई अपन की तरह कैसा हो सकता है? बिंदास। बिंदास, कभी अपने मुंह से आई लव यू बोला है? बस मैं ही हूं जो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूं। कभी अपने मुंह से कुछ रोमांटिक बात की है? ऐसा है क्या? आज अपन तेरे साथ करता है रोमांटिक। सोनिया, जब भी अपन तेरा आग देखता है ना, अब उनको वो दिखता है। क्या क्या बोलता है? नशा? नहीं नहीं, नशा नहीं। अच्छा, आग छोड़, आग छोड़। हाँ? सोनिया, जब अपन तेरे को देखता है ना, तो अपन के दिल में कुछ, क्या बोलते हैं उसको, अपन के दिल में, मैं बोलूं? बोल डालना।
मन मन ओ रहनुमा तुझ में छुपे है मेरे जान जिसमें तेरी तस्वीर है आंखों में है वो आईना ओ जान मन ओ रहनुमा देखी जो तेरी ये शोखियां दिल ने कहा कर गुस्ताखियां चाहत की शबनम लेने दे ये लम्हा जी भर जी लेने दे तेरी ये निगाहें मुझे बड़ा सताए तेरी ये निगाहें मुझे बड़ा सताए जादू करे दम बदम चल दिल में है हल चल 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 मैं रही चल 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 अब कहीं चल मर जाऊंगी मैं सनम क्या किधर कल तू सही बोल रहा है ना हाँ ओके अपना आदमी का खबर डेफिनेट है हाँ कल दोपहर को सडेला सलीम अपनी रखेल को मिलने हैं वेनिस जरूर जाएगा एक बोट आ रही है वही है सुनिए वो आ गया सडेला कितने आदमी प्रिया का मिन एक दो तीन चार एक ड्राइवर तीन बॉडीगार्ड कुल मिला के चार वो अभी बिल्डिंग के पास आ चुके दरवाजे तक पहुंच चुका है वो हेलो हाँ भाई रफीक बोल रहा हूँ पेरिस स्टेशन से हाँ बोल वो करण शाह और उसके दोस्त पेरिस स्टेशन नहीं पहुंचे और वो लोग तो ट्रेन में भी नहीं थे भाई क्या बात कर रहा है हैं क्यों देने को दस्तक अपना ही घर आज पराया लगता है लेट्स गो ये तो वापस बाहर आ गया सलीम ने अपना इरादा बदल दिया है और सुन वो वापस जा रहा है क्या उसका पीछा करो व्हाट आज अगर सलीम निकल गया हमें बाबा कभी नहीं मिलेगा करण लेट्स गो
हमारी दुश्मनी तुझसे नहीं है सलीम, तू हमें बाबा सिकंदर का पता दे दे और हम तुझे तेरी जिंदगी दे देंगे। ए, बड़े किस्मत वाले हो तुम लोग कि बाबा से दुश्मनी करने के बाद अभी तक तुम लोग जिंदा हो। बाबा का पता मौत का पता, अरे मरने का इतना ही शौक है तो बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है। मुझे बंदूक दे दो, मैं तुम सबको बांधूंगा। मैं तुझे सिर्फ 3 बार पूछूंगा, बाबा सिकंदर कहाँ? जा जा इंस्पेक्टर अर्जुन, ये तेरा गेम नहीं है। कुएं से कूद कर तालाब में तैरने से मेंढक मगरमच्छ नहीं बन जाता है, तेरे को पता है ना? पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या तू? तुझे क्या लगता है तू मुझे डराएगा? मैं डर जाऊंगा क्या? हाँ मैं डर जाऊंगा क्या? बाबा कहाँ? इसकी तो गई। तू तो गया, तेरा टिकट कट गया, एकदम ऊपर जाने का। तू अपनी वसीयत लिख दे। देखता नहीं है। कहा वो तो नहीं पता है भाई, लेकिन इतना पता है कि जुम्मे के दिन हॉकी स्टेडियम में मैच देखने जरूर आएगा। मुझे गोली मत मार। अब तेरे को क्या हो गया सलीम? आप उनको मालूम है कि तूने और बाबा ने आप उनको यहाँ पर फंसाया है। आप उनको इधर छोड़ के मत जाओ, बाहर निकाल। आप उनको बाहर निकाल। ए सलीम, इस कदर देख मत मुझे यार मेरे। शिकायत तुझसे नहीं, अपनी मजबूरी से मुझे। Pass this phone to the VIP cabin. Wow. Hello. मैंने कहा था ना बाबा, तू दुनिया के किसी भी कोने में छिप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। देख ले, मैं आ गया तेरी जगह पे, ठीक तेरे सामने। करण शाह। हाँ, वही करण शाह जिसने तुझे अपने साथ हिंदुस्तान ले जाने का ऐलान किया था। मुझे तुम्हारी अकलमंदी पे प्यार और बेवकूफी पे तरस आ रहा है। अकलमंद तुम इसलिए हो कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए 4 कंधा देने वालों को साथ लेकर आए हो। और बेवकूफ इसलिए हो कि तुम अब भी समझ रहे हो कि बाबा तुम्हारी उंगली पकड़कर हिंदुस्तान चला जाएगा। हिंदुस्तान तो तुझे आना पड़ेगा सिकंदर, आ जाएगा तो उंगली पकड़ के आने दूंगा, कल आएगा तो घुटनों के बल आना पड़ेगा। डर गया बाबा, डर गया। सुना तुमने, बाबा डर गया। पूछेगा नहीं हमें यहाँ का पता किसने दिया? सलीम की लाश वेनिस में पड़ी है, उठवा लो। क्या हुआ बाबा, हसीने आ रहे? खून जब अपने सीने से टपकता है तो हंसी नहीं आंसू आते हैं। दोस्त की लाश दोस्त के हाथों ठिकाने लगे तो दोस्ती का हक अदा हो जाता है।
सलीम भाई पे नहीं भाई, आप पे गोली चलाई उन्होंने, आप पे। बच के नहीं जाएंगे वो यहां से, एक एक को ढूंढ के कुत्ते की तरह मारेंगे हम। समीर भाई ठीक कह रहा है, आप हमें बस एक चांस दीजिए, शाम तक लाके आपके कदमों में ना डाल दिया तो हम आपके भाई नहीं। खुश हो लेने दे उन्हें अपनी जीत पे, बाबा सिकंदर को पकड़ना उनकी जरूरत है। ये देखो अभिमन्यु, यही है ना वो जगह? यही छे बाबा सिकंदर का गेस्ट हाउस। एक दो महीने में एक टाइम आता ही छे वो इधर। पर हम एक दो महीने चुपचाप बैठकर उसका इंतजार तो नहीं कर सकते। एक मिनट, ये कौन है? प्रिया, कैन यू लॉज दैट? श्योर। फरीद चाचा? फरीद चाचा उसी क्लब के मैनेजर बन के आए थे जहां मैं काम करती थी। डांस क्लब में मुझे अकेला समझकर लोगों ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन फरीद चाचा ने मुझे अपनी बेटी बना लिया। उन्होंने मुझे ऐसे लोगों से बचाया ही नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर पैसों से भी मदद की। फरीद चाचा, मेरे एक बार बुलाने पर आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। मैं तो यहाँ आ गया हूँ बेटी, मगर तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम ही अभिमन्यु हो ना? तुमने करण शाह और इंस्पेक्टर अर्जुन की मदद करके अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी और बिटिया की जान को खतरे में डाल दिया। अरे मदद की गली में मत घुस, बाबा ने वैसे भी अपने को टपकाने का प्लान बनाया था। हाँ, मगर सलीम की मौत के बाद वो तुम लोगों को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। चाचा प्लीज, आपको अपनी बिटिया की मदद सिर्फ आखिरी बार करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। जल्दी बोलो। हम जानते हैं कि आप बाबा के गेस्ट हाउस की देखभाल करते हैं, आपको हमें बस ये बताना होगा कि बाबा अगली बार वहाँ कब आने वाला है। बाबा से बचने के लिए तुम बाबा का ही पता पूछ रही हो? फरीद चाचा प्लीज, मैं आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ उस गंदगी में रहकर भी आपके अंदर का अच्छा आदमी अभी तक नहीं हरा। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझकर बुरे लोगों से बचाया है, उसी अच्छे आदमी का वास्ता देकर मैं बोल रही हूँ। हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं देखता हूँ, तुम लोग कल मुझे टाउन स्क्वायर पे मिलो 11 बजे। मैंने पता लगा लिया है, वो 2 दिन बाद वहां आएगा, उसकी कोई मीटिंग है। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि कोई पागलपन मत करना, क्योंकि बाबा की सिक्योरिटी को पार करके उस तक आप लोग नहीं पहुंच सकते। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैं आज के बाद आप लोगों को नहीं जानता। समझ गया, चल सुनिया। फरीद चाचा, मैं जिंदगी पर आपका एहसान, इसके पहले कि हमें कोई एक साथ देख ले, तुम लोग जाओ यहां से, जाओ। Thank you.
शाबाश फरीद, इस काम के लिए मैं तुम्हें केयर टेकर से बंगले का मालिक बना दूंगा। पर भाई आपने उन्हें जाने क्यों दिया? यही खत्म कर देते दोनों को। वो दोनों जाएंगे तो तीनों को साथ लेकर आएंगे। मुझे सिर्फ दो उंगलियां नहीं काटनी आफ्ताब, मुझे वो पूरा हाथ चाहिए जिसने मुट्ठी बनकर बाबा की तरफ बढ़ने की हिम्मत की है। उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं, सिर्फ 48 घंटे। अरे क्या हो गया? अरे पर तुम कर क्या रही हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ अभिमन्यु। क्या कर रही है? टाइम पास कर रही हूँ। टाइम पास? हाँ, हम सबको अपनी अपनी ड्रिंक खत्म करने से पहले अपने बारे में एक ऐसी चीज बतानी होगी जो हमने आज तक किसी को न बताई हो। जितना हम अपनी टीम पर भरोसा करते उतनी ही गहरी और सच्ची बात बताएंगे, ओके? ये, तू अपन को दारू पिला रही है या दोस्ती का एग्जाम ले रही है? अभिमन्यु, तुम गेम शुरू होने से पहले ही उसे खराब कर रहे हो। ये बात है, ठीक है तो ये गेम अपन से ही शुरू होगा। आज अपन तुम लोगों को ये बात बताने वाला है जो अपन ने आज तक किसी को बताया नहीं। लेकिन एक बात आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा, यह बात सुनने के बाद अपन को कोई नफरत करने का नहीं। क्या बात? क्या है अभिमन्यु? बात एक नहीं, तीन है। सोनिया, अपन तुमको धोखा दे रहे हैं। बहुत चाहता था अपन तुमको, लेकिन इंडिया की जेल में रहकर तुम और तुम्हारे डांस बार के बारे में सुनकर अपन को तुमसे नफरत हो गया। और दूसरी बात, अपन ने अपना नफरत दिल में दबा के रखा था, यूज किया तुमको ताकि काम पूरा होते ही अपन पैसा लेके यहां से सटक जाएगा तुमको अकेला छोड़ के तड़पने के लिए। और तीसरी बात? तीसरी बात यह है कि अपन को झूठ बोलने का आदत है। सबको डरा दिया सारे, बड़ा हल्का डरे। सोनिया बस आया ना मजा। स्टार्टिंग ये मिशन मेरे लिए सिर्फ एक जॉब था, जॉब से ये मकसद बन गया और फिर मकसद से जरूरत, और अब मुझे इस जरूरत से प्यार होने लगा है। या यूं कह लो कि प्यार मेरी जरूरत बन गई है। Sounds like a riddle. प्यार, जरूरत। हाँ, तुम्हें ये समझने के लिए अपने दिमाग पे जोर डालने की कोई जरूरत नहीं। अभिमन्यु, आज मैं तुम्हें हरदीप के बारे में बताना चाहती हूँ। हरदीप? ये हरदीप कौन है? हरदीप और मेरी मुलाकात तुम्हारी जेल जाने के बाद हुई। मालूम है, अपन ने तेरे को खोपची में लिया ना, तू भी अपन को खोपची में ले रही है। नहीं अभिमन्यु, मैं सच कह रही हूँ। शुरू शुरू में मुझे उसका मेरे आसपास मंडराना, चक्कर काटना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा। क्या बकरे ले तू? हम लोगों ने अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया। दिन में या रात में? हम दोनों के बीच दिन रात के फासले खत्म हो गए। उसका जादू मुझ पे छा गया इस कदर तक कि हम दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। और फिर एक दिन हरदीप कौर की शादी हो गई और वो अपने सरदार पति के साथ लंदन चले गए। साला अपुन को ये गेम खेलने का ही नहीं। क्या हुआ यार? अरे बैठना यार। अरे शेंटी बना रही है। अरे तो क्या हुआ यार, तूने भी बनाया ना। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ जो आज तक नहीं कह पाया वो बताना चाहता हूं। जो आदमी एक चाय बेचने वाले बच्चे को सड़क से उठा के ऑफिस में और ऑफिस से अपने घर में लेकर आया, जिसने मुझे अपने बच्चे से ज्यादा प्यार दिया, मैं उनसे कभी यह नहीं कह पाया कि मैं उन्हें बहुत चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं उनसे। पापा, अगर आप हैं और मुझे देख रहे हैं
तो आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। गुड बाय। अरे बाप, ये तो अपुन जैसे बोल रहा है यार। ए
लेकिन बाबा साहब, हम पिछले 3 हफ्तों से पैसों का इंतजार कर रहे हैं, और कितना वक्त लगेगा? जमाना बदल रहा है मेरे भाई, सरकारें बदल रही हैं, हर देश की पुलिस रेड अलर्ट पे है, एंटी टेररिज्म वॉर में शामिल हो गए, हमारा बिजनेस और भी मुश्किल। मगर हमारा प्रोजेक्ट पैसों के बिना आगे कैसे बढ़ेगा? पैसे मिल जाएंगे, आज 15 तारीख इंडिया से हमारा पैसा ट्रांसफर होकर पेरिस आएगा और वहां से यहाँ जब आएंगे, 20 महीने की 20 तारीख तक पैसा आपके हाथ में होगा। ठीक है, और आप हमें उस होटल के बारे में बताने वाले थे। हाँ, मैंने सोचा है कि होटल में कैसीनो भी होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि पहले ही हमारे प्लान्स में नहीं था, लेकिन ऐसा करने से हमारा फायदा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। गो! लास वेगास की होटल्स को ही देखो, हर साल एक नई होटल बनती, और फिर भी एक भी होटल। It's a trap! Get out! Get out! 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 लोगों को पैसे कमाने का इतना शौक है। ऊपर, गो! पैसे तक कर लेता है सारा। दो जाते हैं।
अर्जुन, 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 अर्जुन उठ, अर्जुन देख मुझे, उठ, ये मैं बोल रहा हूं, उठ अर्जुन, उठ उठ अर्जुन, देख मुझे, देख, तू संभालने वाला था ना मेरे को, अब संभाल मेरे को, उठ उठ अर्जुन, उठ उठ अर्जुन, अर्जुन उठ, देख मुझे, ए बात कर, अर्जुन, अर्जुन, नहीं अर्जुन, वर्ड, अर्जुन वर्ड, वर्ड, अर्जुन वर्ड, ए, अपनी जान देकर सबकी जान बचा ली उसने। बहुत दिनों बाद किसी को इतनी बहादुरी से लड़ते हुए देखा है बाबा ने, मजा आ गया। पहली बार लगा कि किसी जिंदा आदमी को मार रहा हूं मैं, वरना ज्यादातर लोग तो पहले से ही मरे हुए होते हैं। तेरे दोस्त ने जो कुर्बानी दी है उसका फायदा उठा और अपने लंगूर और बंदूरियों के साथ हिंदुस्तान वापस चला जा। यूं समझ ले कि बाबा ने तुझे माफ कर दिया। और हां, जाते जाते तुझे दोस्ती निभाने का मौका देके जा रहा हूं। सुना है कि दोस्त की लाश दोस्त के हाथों ठिकाने लगे तो दोस्ती का हक अदा हो जाता है।
अभिमन्यु ये लो, ये रहा तुम्हारा बैलेंस पेमेंट। तुम सोनिया के साथ दुनिया के किसी भी कोने में जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। और बाबा उसका क्या होगा? बाबा को पकड़ते पकड़ते मैंने अर्जुन को खो दिया है। तुम लोगों को इस मिशन में जोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझे तुम लोगों की जान लेने का कोई हक नहीं। खेल समझ रखा आपने? पापा मर गए तो बाबा को पकड़ने का मिशन बनाया, दोस्त मर गया तो उसी मिशन को खत्म कर रहे हो। मिशन बंद नहीं हुआ है, सिर्फ तुम लोग मिशन से अलग हो रहे हो। पापा सिकंदर को मैं अकेले पकड़ूंगा। और अपन, अपन जुड़िया पहन के तमाशा देखेगा क्या? अर्जुन तेरा ही दोस्त नहीं, अपन सबका दोस्त था। धोखे से मारा उस बाबा ने उसको, अपन उसकी मौत का बदला लेगा। मुझे किसी से कोई बहस नहीं करनी है। इस मिशन में तुम लोगों को मैंने जोड़ा था और मैं जब चाहूं बाकी के पैसे देकर तुम्हें अलग कर सकता हूं। समझ गया, समझ गया। तू अपने को इस पैसे के वास्ते रुबाब दिखा रहे लेना, अपने को इस पैसे का गुलाम समझ रहे लेना। आज से गुलामी खत्म। देखता तू अपन को कैसे रोकता है। मेरे साथ कोई नहीं आएगा, एंड दैट इज फाइनल। डू अंडरस्टैंड? क्यों अपने आप को अर्जुन की मौत का जिम्मेदार समझ रहे हो तुम? तुम उस दिन भी सही थे जब तुमने अपने पापा को बाबा सिकंदर के खिलाफ सर न झुकाने की सलाह दी थी, और उस दिन भी सही थे जब तुमने हम सब लोगों को इस मिशन के लिए चुना था। कलन! पर आज तुम दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से काम ले रहे हो। अपने बेटी जैसे सैकड़ों बच्चों के लिए एक महफूज घर बनाना है। हम लोगों ने बाबा सिकंदर को पकड़ने का ऐलान किया है, जंग छेड़ी है उसके खिलाफ। आयशा के साथ एक लंबी सी छुट्टी पर चला जाऊंगा। अर्जुन मरा नहीं, इस जंग में शहीद हो गया है। अर्जुन ने अपनी जान इसलिए दी ताकि हम लोग जिंदा रह के ये मिशन को पूरा कर सके। उठ, 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 उठ। हम लोग बाबा सिकंदर से सिर्फ एक हाथ के फासले पर है। दोस्त की लाश दोस्त के हाथों ठिकाने लगे तो दोस्ती का हक अदा हो जाता है। ये हाथ छुड़ाने का नहीं, हाथ बढ़ाने का वक्त है। नाइन सेवन वन फाइव वन फाइव जीरो एट फोर वन सेवन जीरो एट फोर वन सेवन वन फाइव थ्री वन फाइव। सार ब्रुकन, याद आया, इधर इस बाबा का होटल है, लेकिन दो चार घंटे से ज्यादा टिकेगा नहीं यहाँ पर। सार ब्रुकन में आने की एक और वजह हो सकती है, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना। एक बार बाबा जर्मनी से निकल गया ना, तो उसको ढूंढने का चक्कर वापस शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें किसी भी तरह बाबा को जर्मनी में ही रोकना पड़ेगा। जर्मनी में नहीं, फ्रांस में। मतलब बाबा को फांसने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। सार ब्रुकन जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर है। जर्मनी के साथ हमारी एक्सट्रेशन ट्रीटी नहीं है, पर फ्रांस के साथ है। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अगर वो किसी तरह फ्रांस की बॉर्डर क्रॉस कर जाए तो फ्रेंच अथॉरिटीज हमारी मदद कर सकती हैं। एक बार वो फ्रांस पहुंच गए तो समझो हिंदुस्तान पहुंच गए। इस मैप में दिखता है कि सार ब्रुकन के करीब एक छोटा ब्रिज है जो फ्रांस से जुड़ता है। ये मेन रोड नहीं, जंगल का रास्ता है, हमारे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट। मगर वो फ्रांस जाएगा क्यों? जाएगा नहीं, हम उसे जाने पर मजबूर करेंगे। Es gab einen Unfall. Sie müssen der Umleitung folgen. Zur Autobahn nach München. क्या बात है? एक्सीडेंट हो गया है, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रास्ता ले लो। Fahren Sie zurück.
préfet se trompe, Baba Sikandar. Il a recherché pour plusieurs crimes par les gouvernements indiens et la police. Oui. Après avoir reçu votre requête formelle, nous avons vérifié avec Interpol. Il est recherché dans 5 pays différents. This is for you. This money is for the costumes. And this is for the cars. And now you guys better clear this all up and disappear before the real cops get here. Thank you. Ceci est une frontière internationale. Et les règles de la frontière internationale s'y appliquent. Nous pouvons vous aider seulement s'ils traversent la ligne blanche. Ça, c'est l'Allemagne. Il doit traverser jusqu'en France. Nous ne pouvons aller de l'autre côté de la ligne, ni de celle de là. Mais si vous le pouvez, amenez-le juste ici. Et alors, il sera tout à vous. Priya, come in. Yes, Karan. Baba, tumhari taraf aa raha hai. Everything ready? Yes, everything ready. मैं border के इस तरफ French police के साथ बाबा का इंतजार कर रही हूँ. Good. गाड़ी रोको. तो बॉर्डर से पहले ही रुक गए हैं. व्हाट? अब यहां क्यों रुक गए भाई? आगे से हाईवे पकड़ना है. ये रास्ता हाईवे को नहीं हिंदुस्तान को जाता है. क्या बात कर रहे भाई? सामने फ्रेंच बॉर्डर है. जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पक्की मिट्टी का निकला है लड़का. दोस्त के मरने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं. आप किसकी बात कर रहे हैं? करण शाह. भोगाया नहीं, अब भी हमें हिंदुस्तान ले जाने का ख्वाब देख रहा है. गाड़ियां घुमाओ. वो लोग गाड़ी घुमा रहे हैं. ओ गॉड, करण, वो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं. प्लान बी, क्विक. मुन्ना,
रही है। तूने मेरे भाई समीर को मारा। सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म हो गया। समीर मेरे आंखों के सामने उसे, और मैं कुछ ना कर सका। पर आप मेरे साथ ऐसा मत हो देना भाई, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। मुझे इंडिया नहीं जाना है, वहां की पुलिस, वहां की जेल, मैं मर जाऊंगा भाई। मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। तू फिक्र मत कर मेरे भाई, बादशाहों की जिंदगी दी है तुझे मैंने, यूं कुत्ते की तरह तुझे मानने नहीं दूंगा। अर्जुन की मौत का बदला तुम्हें ही नहीं मुझे भी लेना है, पर इसका सर काट के नहीं, इसका सर झुका के। डर, खौफ, दहशत, 20 साल तक हम लोगों को डरा डरा कर हम पर अपनी हुकूमत चलाता रहा है। हमसे हजारों मील दूर होते हुए भी हमारे दिलों में खौफ बनकर जीता रहा है। मैं इसे इसी के हथियार से मारना चाहता हूं। मैं उस डर को मारना चाहता हूं जिसे हमारे दिलों में पैदा करके शान से जीता रहा है। डर खत्म तो बाबा खत्म। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम बाबा सिकंदर ने इस देश के खिलाफ सैकड़ों जुर्म किए। इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत अदालत के पास मुजरिम के लिए सिर्फ एक ही सजा है, और वो है सजाए मौत।
चलो भैया घर चलो। जैसे बरसों पहले कांतिलाल शाह ने करण को गोद लिया था, वैसे ही करण और प्रिया ने अर्जुन की बेटी आयशा को गोद ले लिया। अभिमन्यु और सोनिया वेनिस में रह रहे हैं, फाइव मैनामी विथ वन कमांडर का सपना पूरा करने के लिए। 20 दिसंबर 2004 सुबह के 6 बजे बाबा सिकंदर को फांसी दे दी गई। बाबा खत्म, डर खत्म। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.